भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे कामयाब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भले ही टेस्ट, वनडे और टी20 की कप्तानी छोड़ दी हो, लेकिन वह अब भी एक टीम के कप्तान हैं। वह इस बार झारखंड टीम की कप्तानी करते दिखाई देंगे। महेंद्र सिंह धोनी को 26 फरवरी से शुरू हो रहे घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी के लिए 18 सदस्यीय झारखंड टीम का कप्तान बनाया गया है। यह टूर्नामेंट 50 ओवर के फॉर्मेट के मुताबिक होगा। धोनी दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जो अपने देश की कप्तानी को अलविदा कहने के बाद पहली बार राज्य की कप्तानी करेंगे। बीते दिनों धोनी ने पुणे सनराइजर्स की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। अपने कैरियर में महेंद्र सिंह धोनी ने अपने राज्य के लिए कभी कप्तानी की जिम्मेदारी नहीं निभाई, लेकिन अब अपने राज्य के खिलाड़ियों को गाइड करने के लिए वह इस नई भूमिका के लिए तैयार हो गए हैं। धोनी ने 25 फरवरी से शुरू होने वाले इस विजय हजारे ट्रॉफी के लिए सिलेक्टर्स के इस फैसले को हरी झंडी दे दी है। इस साल धोनी रणजी ट्रॉफी के दौरान अपनी टीम के साथ मेंटर की भूमिका में नजर आए थे, जिसके चलते पहली बार झारखंड रणजी के सेमीफाइनल में पहुंचा था। टीम इंडिया को कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचाने वाले धोनी का अगला लक्ष्य अपने राज्य झारखंड को घरेलू क्रिकेट की एक बेहतरीन ताकतवर टीम बनाने का है। इससे पहले सौरभ तिवारी और वरुण एरॉन जैसे खिलाड़ी झारखंड की कप्तानी की भूमिका निभा चुके हैं, जो भारत के लिए वनडे और टेस्ट मैचों में शिरकत भी कर चुके हैं।